हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रुतबा खान किचन। अगर आपने मेरे चैनल रुतबा खान किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं तवा बटर नान। इसके लिए हमने ले लिया है 500 ग्राम हमने मैदा ले लिया है, 50 ग्राम हमने कॉर्न स्टार्च ले लिया है यानी अरारोट पाउडर, 3 टीस्पून हमने ले लिया है दही, 1/2 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून सोडा, मीठा सोडा, सॉल्ट, बटर ले लिया है हमने, इसको मेल्ट कर लिया है, इसमें धनिया पत्ती मिला ली है और गरम पानी। पहले हम नान का डो तैयार कर लेंगे। मैदा ले लेंगे, कॉर्न स्टार्च, अरारोट पाउडर, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, सोडा, चीनी, दही और इन सब चीज़ों को हम मैच मिला लेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे हम। वन एंड हाफ टी स्पून हम डालेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल और मिक्स कर लेंगे। और गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो तैयार कर लेंगे। हल्के गुनगुने पानी से हमें इसका डो तैयार करना है। हमारे आटे का डो तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढककर कपड़े से 2 घंटे के लिए रख देंगे। हमारे आटे को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं और इसका एक अच्छा सा बन चुका है आटा, फूल गया है। अब हम अपनी नान तैयार कर लेंगे। अब हम इसके पेड़े ले लेंगे, छोटे छोटे से, थोड़ा सा सूखे मैदे के साथ। थोड़ा मैदा डालेंगे जब और बेल लेंगे। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैंने इसे गोल शेप में दिया। अब हम नान पर थोड़ा पानी लगा लेंगे। और हमारा तवा गर्म हो चुका है, तवे पर डाल देंगे। अब हम तवे पर नान डाल देंगे और एक तरफ से सेक लेंगे। हमारी नान नीचे से सिक चुकी है। अब तवा इस तरह से करके ऊपर से लगाकर इसको सेक लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें।
हमारी नान सिक चुकी है। इसी तरह हम अपनी और नान तैयार कर लेंगे। अब हम इस पर लगा लेंगे बटर और धनिया पत्ती जो हमने काट कर रखी हुई थी। इसी तरह हम अपनी और नान तैयार कर लेंगे। इसी तरह हमने अपनी दूसरी नान तैयार कर ली है और इस पर भी बटर लगा लेंगे। हमने अपनी सारी बटर नान बना ली है और बटर लगा लिया इस पर। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी नान बनी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि ये रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं।